अमेरिका में। अब आप बहुत बिरले लोग पहुंचे हैं, आप पता नहीं उनसे मिल पाए कि नहीं मिल पाए, जिनसे हमारा लेना देना। ये आवाज उनके कानों तक पहुंचा रही, दूर देहात में जहां कोई नहीं जाएगा, आप देवालय देवस्थान पर जाएंगे, गांव घूमने नहीं जाएंगे। अब पता लगा हमारा कर्जा लेना देना उससे बाकी है, जिसको प्रचारक जा रहे हैं उनको संदेश देने गुरु महाराज, और आपने वो सेवा गाड़ी में दे दी तो सेवा आपकी उधर लग गई, आपका लेना देना गुरु महाराज ऐसा लेना देना जो आपको दस बीस पचास रुपये हजारे पाँच सौ को। और गुरु महाराज ने इसीलिए बताया कि सब महात्मा स्कूली का काम कांटे से निकाल, थोड़ा सा आपसे खर्च करा के आपको करोड़ों का जो कर्जा लदा हुआ वादा कर दिया। तो इसलिए आपसे कहा कि सभी प्रश्न पत्र जब हल करेंगे तभी आप पास होंगे, तब तक पास इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे। जाने अनजाने में कोई तीखी बात निकल गई हो, वैसे तो कोशिश ये करता हूँ, गुरु महाराज की दया कृपा लेकर, गुरु महाराज जब मंच पर सत्संग देते थे और सत्संग देने के बाद कहते थे, पूछते सत्य, मैंने किसी की बुराई तो नहीं की, मैंने किसी सेठ साहूकार की बुराई तो नहीं की, किस तरीका की गुरु महाराज आवाज लगाते थे सब सब संगत से हाथ उठवा के पूछते थे। तो भैया उसकी पावर तो नहीं रखा था, हम बहुत कुछ छोटे आदमी हैं, इसलिए हमने शायद अपनी जान में तो कभी बुराई नहीं करी, अगर करी हो तो आप लोग हमें माफ कर दीजिए। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को ध्यान दे रहे हैं, प्रसाद ले आओ।